देखो मैं लिख रहा हूं वैसे ही, फॉर मल्टीप्लाई बाय 12:4 मल्टीप्लाई बाय 9:3 27 सिंपलीफाई करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर नहीं लाना है, फाइनल आंसर तरह की ओर आपको जाना है। ओके Got it all of you? देखो सर, आपने 8:2 क्या लिखा है? फिर से मैं जो क्वेश्चन फिर से मैं बता देता हूं, फोर मल्टीप्लाई बाय 12:4 ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 9:3 अपॉन 27 मल्टीप्लाई बाय 8:2 मल्टीप्लाई बाय 6:3 ओके। ओके सर, चलो स्टार्ट करो, कैलकुलेट करना। आ गए आंसर? नो सर, दिव्या? नो सर, अरे आ जाएगा इतने में तो क्या, 10 सम हो जाए, बैठे हैं दो, कुछ है ही नहीं, 2 मिनट में आंसर। जी आ गए आंसर? नहीं सर, जब आंसर आ जाए तब मुझे बताना। तो मेरा तो आंसर ही नहीं आ रहा।
सर 160 सर मेरा भी नहीं। सोहेल का आंसर क्या आया? 162। और शिवानी का? सर मेरा आया ही नहीं ना। अरे डूब मरो सारे के सारे। सोहिल ने आंसर सही लाया है, 40 में से 40 आए। क्या क्या करना है? एक को 40 में से 40 आए, एक को 37 आए, क्या उसका करना क्या? अभी 26 वाला बंदा लेके आया। देखो आंसर, देखो 162 इज द करेक्ट आंसर। देखो अभी कैसे सॉल्व करना है, लिखना बंद कर दो, स्क्रीन पे फोकस करो। फोर यानी कि 2 raised to 2। ओके वन मिनट। फोर यानी कि 2 raised to 2। ओके मल्टीप्लाई बाय 12 raised to 4 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 3 raised to 4 मल्टीप्लाई बाय 4 raised to 4 में लिख सकता हूं ना उसे। ओके फिर यहाँ पे 9 यानी कि क्या होगा, 3 raised to 2 whole square 3, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना 9। ओके तो ये क्या हो जाएगा, 3 raised to 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके अपॉइंट 27 यानी कि 3 raised to 3 होगा, 3 multiplied by 3 multiplied by 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। ओके 8 raised to 2, ठीक है, तो 8 raised to 2 यानी कि 8 यानी कि क्या होगा, 2 raised to 3 होगा, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 raised to 2। ओके यानी कि 2 raised to क्या हुआ, 6 हुआ, 2 raised to 2 हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to 6, ठीक सॉरी 6 raised to 3, तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 2 raised to 3 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to 3 लिख सकता हूं ना। बोलो ऐसे मैं लिख सकता हूं इस टर्म को, आया ना? तो मुझे बोलो। ये समझ अरे पहले वन बाय वन पूछो। चलो दिव्या बोलो, आपको क्या समझ में नहीं आए? सर मुझे ये समझ में नहीं आया कि आपने यहाँ पे 3 raised to 6 क्यों लिखा है। कहाँ पे 3 raised to 6? यहाँ पे ये वाला, ये 3 raised to 6। हाँ तो 9 raised to 3 है यहाँ पे ऊपर है। यस हाँ तो 9 को मैं 3 raised to 2 लिख सकता हूँ, 3 3 जा 9 होगा। हाँ हाँ और ऊपर 3 तो है ही, यानी कि होल होल का जो क्यूब है वो होल स्क्वायर 3 है यहाँ पे है। सर मुझे नहीं समझ में। अरे क्या समझ में नहीं आया, अगर a रेस टू b होता है, रेस टू c है, तो आंसर क्या आएगा, c a रेस टू b c होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा कि नहीं? हाँ होगा ना। हाँ तो ऐसा हम क्यों करते हैं बार बार? ये निकल गए अभी, कैसे आएंगे? आ गए, चलो वन मिनट। हाँ एक मिनट। हाँ तो देखो अभी यहां पे तो 9 को मैं 3 raised to 2 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं कि नहीं बताओ मुझे? लिख सकते हैं। हाँ हाँ तो 9 को मैं 3 raised to 2 लिख सकता हूं, ठीक है, तो ऊपर तो 3 है ही, तो ठीक है, तो 3 raised to 2 raised to 3 मैं लिख सकता हूं ना। अब ये तो रूल हो गया है कि जब होल, ये हमने फर्स्ट वाला रूल क्या पढ़ा था, a रेस टू b रेस टू c, यानी कि दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, इसलिए हो जाएगा ये 3 raised to 6, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ओके और हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें बेस सबका सेम करना है, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने 4 raised to 4 लिखा है ना, तो उसका भी अभी करना है। देखो 4 4 यानी कि शिवानी में लिख सकता हूँ, इस 4 का मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 raised to 2 लिख सकता हूँ। Yes. और पूरा ब्रैकेट के बाहर 4 होगा एक्सपोनेंट। यस
होगा, तो अभी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 raised to 8 लिख सकता हूँ इसको, 4 to 8। हाँ तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 raised to 8, मैं लिख सकता हूँ ना इसको। Yes. हाँ अभी देखो यहाँ पे 2 raised to 2 है, यहाँ पे 2 raised to 8 है। ओके तो 2 raised to टोटल कितने हो जाएंगे, 2 raised to 10 हो जाएंगे, एडिशन होगा एक्सपोनेंट का, बेस सेम है तो। Yes, sir. हाँ अभी यहाँ पे 3 raised to 4 है और यहाँ पे 3 raised to 6 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 3 raised to 10 हो जाएगा। Yes. ओके यहाँ पे कितना है, 3 raised to 3 है और यहाँ पे क्या है, 3 raised to 3 है, तो 3 raised to 3 + 3 3 raised to 6 हो जाएगा। Yes. यहाँ पे 2 raised to 6 है और यहाँ पे 2 raised to 3 है, तो 2 raised to 9 हो जाएगा। ओके तो अभी देखो 3 raised to 6 ऊपर चला जाएगा तो 10 - 6 हो जाएगा, और 2 raised to 9 ऊपर चला जाएगा तो 2 raised to 10 - 9 हो जाएगा, तो 2 raised to 1 हो जाएगा, 10 - 9 यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to 10 - 6 यानी कि क्या हो जाएगा, 3 raised to 4 हो जाएगा। ओके तो अभी मल्टीप्लाई करो, 3 raised to 4 इज इक्वल कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 करो, फिर मुझे आंसर बताओ कि आंसर क्या आ रहा है। गलत किया, सोहिल ने सही किया ना। यस सर। हाँ और अभी इस क्वेश्चन में कोई डाउट रहा कि नहीं रहा? नो सर। पक्का ना? नो सर। निकाल दूँ ना? चलो एक और समझेता हूँ, ऐसा ही दूंगा, दिमाग रखना, ऐसे ही बैठे मत रहना वरना नहीं आएगा। 2 raised to 5 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to 4 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 4 raised to 2 मल्टीप्लाई बाय 9। चलो एकदम इजी है। सर आपने नीचे क्या लिखा है वो तो दिख ही नहीं रहा मुझे। 9 लिखा है, 9। देखो 2 raised to 5 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to 4 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 4 raised to 2 मल्टीप्लाई बाय 9। सबको दिखाई दे रहा है ना अभी तो? आंसर सर को, अरे इतने तो पता सम हो जाए। सोल कितना है आंसर? सर अभी तो आए ही नहीं है। नहीं अभी तो मुझे सोहिल को ही पूछना है, वही एक लड़का है सर जो मुझे सही आंसर देता है। चलो सोहिल बता दो फिर। सर मेरा आंसर आ गया। शिवानी का आ गया? मेरा भी आ गया। किस किस का आया? सर मेरा, प्राची का आया एंड शिवानी का। चलो प्राची कितना आया आंसर? 36 प्राची का। मेरा भी 36 आ गया। शिया का भी 36 आया। शिवानी का?
सर मेरा 12 आया। शिवानी का 12 आया, ओके। दिव्या का? सर थोड़ी देर रुको, दिव्या के लिए रुको भाई, चलो। सोहिल का कितना आया? सोहिल कितना आया सर? बस तो सर क्या कर रहा हूँ सर, कर रहा है, कितनी देर लगती है यार। देखो अभी चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। 2:5 है, ओके, तो इसको दो, और यहाँ पे है 2:1, ओके, कुछ नहीं यानी कि 1, तो ये हो जाएगा 2:6, ओके, मल्टीप्लाई बाय 3:4, तो वैसा का वैसा ही रहेगा, ओके। अब पॉइंट 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2:2, ओके, और 2:2, ओके, यानी कि ये हो जाएगा 2:4, ये क्या हो जाएगा 2:4। 9 को मैं लिखूंगा 3:2, ओके। अभी देखो ये 3:3 सम है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा इसका, 4-2 यानी कि, और यहाँ पे 6-4 यानी कि इसका भी हो जाएगा 2:2। अभी यहाँ पे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 9 जा 36। मेरा राइट? हाँ प्राची, पर एग्जाम में क्यों रॉन्ग होता है सर, पता नहीं। अरे ऐसा तो कुछ 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 करो यार, तू तो फेल हो रही थी प्राची, 8 मार्क्स आ रहे थे तेरे, पता है सही में 8 only 8, और उसका मुझे 16 करना पड़ा, पास करना पड़ा तुझे ग्रेस देके। गलत है ना ये प्राची? यस। ओके चलो अभी एक और समझता हूँ। -2:2 मल्टीप्लाई बाय -3:3 अपॉन -1:5 मल्टीप्लाई बाय -4:2। आ गया आंसर? प्राची कितना है आंसर? सर अभी नहीं सॉल्व कर रही हूँ। शिवानी आ गया? नो सर, कर रही हूँ। जिया? नो सर।
आ गया? नो सर। अरे एक स्टेप में आंसर आ जाता है, ओनली वन स्टेप में। पता नहीं न जाने क्या कर रहे हो ट्रफ नोटबुक में इधर का उधर। दिव्या क्या आंसर? नो सर। आएगा कि नहीं आएगा दिव्या? सर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। शिवानी? सर मेरा भी नहीं आ रहा। तो अभी सोहिल का आएगा, किसी का नहीं आता तब सोहिल का आंसर आता है। सोहिल आ गया आंसर? सोहिल सर 2 मिनट। 2 मिनट। सर मेरा भी नहीं यार। नहीं यार, चलो भाई सबने सरेंडर कर दिया है। प्राची आपकी फाइट चालू है कि सरेंडर हो गए आप भाई? जी आए प्राची? सर मेरा भी नहीं आ रहा। ओके, प्राची भी सरेंडर कर दिया। और जिया नहीं आ रहा। चलो सबने अपनी जो तलवार है वो रख दी है। ओके, अब कोई नहीं आएगा। क्या प्राइम मिनिस्टर? क्या प्राइम मिनिस्टर? जिया जिया बताओ बताओ। चलो चलो अभी मैं सॉल्व कर देता हूं। देखो -2 raised to 2। ओके, तो इसका तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, उसको तो हम ऐसे ही लिख देते हैं। मल्टीप्लाई बाय -3 raised to 3, इसका भी कुछ करने की जरूरत है नहीं, इसको भी ऐसे ही लिख देते हैं। -1 raised to 5, इसको भी ऐसा ही लिख देना है क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर ही है, तो प्राइम अंदर तक जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -4 raised to 2, तो इसको भी -2 raised to 4 लिख क्या 2 लिख सकता हूँ ना, यानी कि -2 raised to 4 में इसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। -4 यानी कि 2 raised to 2 होगा। ओके, अभी देखो, हाँ अभी इसमें क्या होगा कि ऊपर क्या है कि -2 multiplied by -2 है। ओके, यानी कि ये क्या हो जाएगा -2 raised to 2। देखो अभी सब्ट्रैक्शन नहीं होगा इसमें, क्योंकि अगर करोगे तो एक्सपोनेंट माइनस में आएगा, -2 -4 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी देखो आप क्या करोगे इसमें, तो देखो -3 raised to 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो एक मिनट, तो यहाँ पे मैं -2 multiplied by -2 लिख सकता हूँ, -2 raised to 2 का लिख सकता हूँ ना। ओके, मल्टीप्लाई बाय -3 -3 -3। ऊपर की टर्म मैंने लिख दी। अभी देखो -1 raised to 5 यानी कि -1 ही हो जाएगा, हो जाएगा ना, क्योंकि एक्सपोनेंट कैसी है, ऑड नंबर है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और यहाँ पे -2 raised to 4 यानी कि यहाँ पे भी मैं कितनी बार लिखूंगा, 4 बार लिखूंगा, -2 multiplied by -2 multiplied by -2 multiplied by -2। ओके, अभी देखो ये 2 बार -2 -2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तभी ऊपर देखो यहाँ पे क्या बचेगा, -3 multiplied by -3 यानी कि +9 होगा, पर फिर से -3 आएगा, इसलिए फिर से देखो -+ हो जाएगा इन दोनों का, पर फिर से माइनस आए इसलिए फिर से माइनस हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, -27। ओके, ये ऊपर बचा। अभी नीचे देखो,
यहाँ भी क्या हो जाएगा कि देखो दो बार माइनस है, माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस टू, यानी कि पॉजिटिव फोर होगा, पर यहाँ पे माइनस वन और है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस फोर वन सा माइनस फोर हो जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों माइनस है, माइनस माइनस होगा कट, तो आंसर क्या आएगा 27/4। पता चला अभी कि नहीं चला? यस सर। अरे बताओ सारे बताओ, इजी था ना? यस। चलो यस। चलो एक और समझ देता हूँ, देखो एक सेकंड में इसका आंसर मिलने वाला है, ठीक है, ज्यादा पैन मत पकड़ो, दिमाग का यूज करो, एक सेकंड में आंसर मिल जाएगा। देखो अभी मैं लिख रहा हूं उसका, सोचना स्टार्ट कर दो। देखो यहाँ पे टू का कोई जुगाड़ होगा ही नहीं, तो टू को ऐसे ही रखो तो आंसर मिल जाएगा। करना है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी मिलेगा, पर कैसे हमको इजी सॉल्व करना है वही सोचो। मिल गया आंसर? सर आंसर आता है 392। सर मेरा 98 आया। देखो मैंने सॉल्व किया है। सर मेरा भी 98। सर मेरा राइट है। देखो अभी बहुत इजी था, ये 4:4 था और 4:5 था, चलो ऊपर चला गया तो 4:1 यानी कि 4 हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ये 7 ओनली 1 था, 7:1 ऊपर चला जाएगा तो 7:2 हो जाएगा, तो मैंने दो बार 7 लिख दिया। अभी ये 2 नीचे है तो 2 मैंने डिवीजन में लिख दिया, अभी कट शॉर्ट कर दिया, 2 2 4, तो ऊपर क्या बचा, 2 × 7 × 7 यानी कि 7 7 49 2 98। पता चला? यस यस सर। इसी था ना? ओके चलो तो आज यहीं पे स्टॉप कर देते, ओके okay? कल अभी देखते हैं, न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो कल, वरना कुछ एक्स्ट्रा सम इसमें अभी और बाकी है, क्योंकि आज हमने सिंप्लीफिकेशन किया, तो कल हम ऐसे ही सम देंगे 4 और 5, जिसको आपको एक्सप्लेन करना है और लिखना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि फाइनल आंसर जो आएगा वो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगा, वैसे सम कल हम देखेंगे 4 to 5 सम, ऐसे आपको खुद ही सॉल्व करने हैं, पर आंसर फाइनल नहीं आएगा 49:2 वैसा नहीं आएगा, आंसर कैसा आएगा 2:6 × 3:2, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर आएगा, ऐसे सम हमने सॉल्व किए। ये दो सम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आज मैंने सम करवाए वो फिर से एक बार कर लेना, कोई डाउट हो तो फिर से मुझे कल पूछ लेना, फिर एग्जाम में मत बोलना कि सर ऐसे सम बाहर के सम कैसे आए, ऐसे सम हमने सॉल्व किए हैं ऑलरेडी, तो एग्जाम में आ भी सकते हैं। ओके ओके सर। ओके तो यहाँ पे वीडियो एंड करता हूँ, बाय एंड हैव अ गुड डे। बाय सर। बाय सर।